Hi friends, welcome back to our channel EnTechSport. Today I am back with a new video. तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो में हमने क्या सीखे वो देखते हैं थोड़ा। पिछले वीडियो में हमने होलो इफेक्ट्स के ऊपर वीडियो बनाए थे। आप देख सकते हैं इस तरीके का होलो इफेक्ट्स मैंने तैयार किया था। देखिए कितना परफेक्टली इस इमेज पे शूट हो रहा है। तो इस तरीके का होलो इफेक्ट कैसे बनाते हैं आपको सीखने के लिए इस वीडियो पे जाके देखिए। और इसी तरीके का और भी इमेजेस मैंने तैयार किया है होलो इफेक्ट के साथ, ये देखिए। तो होलो इफेक्ट्स कैसे इमेज पे यूज़ करते हैं ये सीखने के लिए आप वीडियो पे जाके देखिए। वीडियो के लिंक मैं ऊपर आई बटन में प्रोवाइड कर दूँगा। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो है स्कैटरिंग इमेज के ऊपर। तो कुछ इस तरीके का इमेज रहेगा, उसको इस तरीके से बनाना है हमें। तो ये मैं स्कैटरिंग इफेक्ट यूज़ करके इस इमेज को मैंने इस तरीके का बनाया। तो ये सब कैसे यूज़ करते हैं आज सीखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं आज के। इसके लिए हमें होम पेज पे आके सर्च बार पे आना है और सर्च बार पे फेसबुक पोस्ट लिखा मैंने। हमें डिज़ाइनिंग पेज चाहिए, तो मैं आज फेसबुक पोस्ट पे ही बता रहा हूँ डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। तो हमें यहाँ से क्रिएट ए ब्लैंक फेसबुक पोस्ट चूज़ करना है। तो चलिए ये ब्लैंक पेज ओपन हो चुका है। तो आज की इस वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और न्यू नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए हमें पहले फ़ोटो पे जाना है। फ़ोटो पे क्लिक करके यहाँ से हमें यहाँ पे सर्च बार पे हमें लिखना है वुमन्स विथ हेयर। फिर ये इस तरीके का इमेजेस ओपन होगा बहुत सारे। तो नीचे आके हमें कोई भी एक आपको सूटेबल इमेज आपको चूज़ करना है, तो मैं ये वाला चूज़ कर रहा हूँ। फिर इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फिट भी कर लेते। तो ये इस तरीके का इमेज है। तो इस तरीके का इमेज है, हमें इसको पूरे ट्रांसपेरेंट करना है। इसके लिए हम इस पर क्लिक करेंगे पहले और एडिट इमेज में जाके बीजी रिमूवर पे क्लिक करना है सिंपली। कुछ टाइम लगता है इसको रिमूव होने के लिए। ये हो चुका है, अभी हमें इराइज करना है। सिंपली इराइज पे क्लिक करके इस तरीके से हेयर इसका जो है इराइज करना है, जो हम पेंट पे यूज़ करते हैं वही फंक्शन है ये। अगर कुछ मेन पार्ट कट गया तो आप रिस्टोर करके भी इसको रिस्टोर कर सकते हैं। आपको दिखा देता हूँ। जैसे अगर रिस्टोर करना है रिस्टोर पे क्लिक कीजिए और ये वापस रिस्टोर हो जाएगा। हमें इतने पार्ट चाहिए नहीं, तो मैं फिर से इराइज कर दे रहा हूँ। हल्का सा यहाँ से भी इराइज कर लेता, थोड़ा बड़ा करके यहाँ पे थोड़ा सा हेयर है उनका। चलिए अभी क्लियर हो चुका है। ओके,
अभी हमें एलिमेंट पे जाना है, एलिमेंट पे क्लिक कीजिए और सर्च बार पे आके शटरिंग सर्च करना है। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको सी ऑल करेंगे ग्राफिक्स में तो दिख जाएंगे आपको बहुत सारे, तो नीचे आना है, तो नीचे आना है आपको, यहाँ पे आपको कई इफेक्ट्स मिल जाएंगे, इनमें से कोई एक लेना है। और लेते टाइम जरूर ध्यान रखें कि जिस पर क्लिक करते टाइम ऐसे कलर्स दिखे यहाँ पे, देखो इसमें भी क्लिक करें तो ऊपर चार कलर दिखा रहा है। तो इसी तरीके का स्कैटरिंग लेना ज़रूरी है हमें। और फिर यहाँ पे हम अप्लाई करके देखते हैं। फिर इसी तरीके से एडजस्ट करना है, हेयर पे जिस तरीके से सूट हो रहा है हमें उसी हिसाब से एडजस्ट करना है। और फिर अभी कलर मैच करना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे ये हो गया, मैं ये कलर इस तरीके का कलर ले रहा हूँ, इस पे पूरे पे अप्लाई कर लें। अगर ये सूट नहीं लग रहा है तो आप यहाँ जाके जो प्लस बटन है यहाँ जाके यहाँ कलर मैच कर सकते हैं यहाँ से ऐसे। और जब तक आप लोगों को कलर मैच नहीं लग रहा है तो तब तक यहाँ से चेंजेस करके कलर ले सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैंने ये ब्राउन मैचिंग लग रहा है तो ये कलर सब में ले लिया। अभी बहुत सिंपल है, बस इसको ही कॉपी करके हमें एडजस्टिंग करना है। इसको ये जो हेयर है ये इसको कवर करना है तभी वो शैटरिंग इफेक्ट देते हैं। तो इसको शैटरिंग इफेक्ट्स कहते हैं। तो इसी तरीके का इफेक्ट होता है ये। तो इसको ऐसे एडजस्टिंग करना है, छोटा बड़ा करके कवर करना है पूरे हेयर को। तो यही चीज़ हमें पूरे इमेज पे करना है, कलर मैच करना है और एडजस्ट करते जाना है। ओके, तो अभी ये एक साइड कवर हो चुका है। अभी मैं ये वाला साइड चेहरे का साइड के उस पर आते हैं, तो उसको थोड़ा फ्लिप कर दिया मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। और फिर यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला ठीक लगा, थोड़ा सा और राउंड करते। तो चलिए ये मैं ऐसा एडजस्ट कर लिया और इसी को ही कॉपी करके मैंने पूरा यहाँ पे कवर किया हो पूरे हेयर को। ये देखिए इस तरीके का फाइनल टच लग रहा है हेयर पे। और भी चाहिए तो आप ऐड कर सकते हैं, इसी को कॉपी करना है और ऐसे जहाँ जहाँ पे आपको कवर करने का यानी लग रहा है तो वहाँ कवर कर सकते हैं। ये देखें, ओके। तो चलिए एक कॉपी बना के अभी नीचे आते हैं इसका। अभी यहाँ का कवर करना है तो हमें इसको वाइट कलर देना है पूरा, जैसे उनके ड्रेस के कलर है वो मैच कर रहा हूँ, मैं मैच करवा रहा हूँ। तो ये देखिए
थोड़ा अलग कलर लेके मैं मैच करवा के देखा हूँ, बट वाइट ही मैच हो रहा है, तो मैं वाइट कलर का पुट कर रहा हूँ पूरे से। तो चलिए वाइट पुट कर दिया मैंने, और इसी को ही पूरा कॉपी करके मैं पूरे जो टी शर्ट है इस पर पूरे सजा देना। ये सिंपल है, कोई हार्ड टर्न नहीं है, थोड़ा टाइम लगा कि किया तो अच्छा इमेज तैयार हो जाता है। और अभी मैंने इस टेक्सचर का कलर मैच करना है, तो स्किन कलर है तो स्किन कलर ले लीजिए, और यहाँ से आप मैचिंग कर सकते हैं, मैंने पहले भी बताया आपको। यहाँ से हल्का हल्का करके मैच करके देखिए, फिर एक मैचिंग कलर मिलेगा, फिर उसी का ही कॉपी आपको आगे करते जाना है। देखिए इसका कॉपी करना है और इसको एडजस्ट करना है इस तरीके से। ओके, तो सेम तरीके से हमें ये वाला हाथ में भी करना है, ये हाथ में भी मैं वैसे ही कर रहा हूँ। ये देखो, ये देखो, ये बन गया है इमेज, शैटरिंग इमेज जो है इफेक्ट्स यूज करके। तो हमने जो इमेज है, एक मिनट इमेज दिखा देता हूँ, जो ओरिजिनल इमेज है, ये पूरा जो है इसको शैटरिंग इमेज बोलते हैं। तो हमने कौन से इमेज पे बनाए थे देखते हैं। तो ये देखिए इस तरीके का इमेज था, और मैंने इसको ये इफेक्ट डाल के इस तरीके का किया हो। ये कोई ऐसे कलरिंग करके बनाया हुआ लग रहा है, फोटो डायरेक्ट खींचा हुआ फोटो नहीं लग रहा। तो इस तरीके का इफेक्ट हम कैनवा में दे सकते हैं अपने हाथों से बना के। ये देखिए रिजल्ट आपके सामने में है। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छा लगा होगा। आज की वीडियो के रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।